हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए खुशी की बात है, DSSB ने आज एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है और कुल 536 पदों की भर्ती निकाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/20 और इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 7 जनवरी है, यानी कि आज से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं और क्लोजिंग जो डेट है वो है 6 फरवरी। तो ये आप ध्यान रखिए। साथ में अब जो आप नीचे देख रहे हैं ये पोस्ट कोड है, साथ में पोस्ट का नाम है, साथ में उसके सामने नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रेड पे, सारी डिटेल्स पे दी हुई है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए फॉर्म को अप्लाई कीजिए कि आप किस पोस्ट के लायक हैं, आपके पास क्या योग्यता है, किस पोस्ट की योग्यता है, वो सब आप ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बाकी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छे जॉब्स हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें यदि आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। और फ्रेंड्स, जो नीचे आप देख रहे हैं हर पोस्ट की अलग से डिटेल दी हुई है, क्या सिलेबस है, क्या उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, क्या ग्रेड पे है। तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से सारी पोस्ट का इसमें डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आगे चलता हूँ। ये आपको पढ़ लेना है अपनी पोस्ट कोड के हिसाब से कि जहाँ आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और क्या इसमें जो एलिजिबिलिटी मांग रखी है वो आपको देखना है। और फ्रेंड्स, ये है आपको 100 रुपीज़ जो पे करने होंगे, ये इसकी फ़ीस है, ये फ़ीस है इसकी। और साथ में जो वुमन कैंडिडेट्स हैं एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST SC PWD एक्स सर्विसमैन, ये सब जो हैं इनकी जो फ़ी है वो एग्जम्प्टेड है, ये भी आप ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, जो सिलेक्शन मोड आप देख रहे हैं ये Tier 1 से भी होगा और 2 Tier से भी होगा, यानी कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ ओनली एक Tier है, यानी कि ओनली एक ही एग्ज़ाम होनी है, और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको 2 एग्ज़ाम्स देनी होंगी। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन है। अब हम चलते हैं आगे। और फ्रेंड्स, ये सिलेबस है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पार्ट इसमें आना है। इसको मैं आगे अभी लास्ट में बता दूंगा डिटेल में कि क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये आपकी एज है 18 से 27 साल तो जो होती है जनरल होती है, उसके बाद में SC ST OBC वालों को इस तरह से छूट दी हुई है। और फ्रेंड्स, ये अनेक्सर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पोस्ट कोड जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1, 5, 6, 7, 13, ओनली 1 Tier की एग्ज़ाम होनी है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और इस ये सिलेबस है इसका जनरल अवेयरनेस। इसके लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ लीजिए, साथ में NCERT की बुक 6th to 10th क्लास तक की पढ़ लीजिए, जिसमें आपकी सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गई, ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी का पार्ट हो गया, ये पढ़ना है आपको NCERT की बुक्स में से। और दूसरा पार्ट जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए, जितनी भी प्रैक्टिस दे रखी है वो आप निकाल लीजिए, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तीसरा पार्ट है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके लिए आपको राकेश यादव की अर्थमेटिक की बुक आती है, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है। फोर्थ पार्ट है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसके लिए राघव प्रकाश की बुक आती है, सबसे टॉप मोस्ट हिंदी की ग्रामर और बहुत ही अच्छी बुक है, उसके अलावा आपको कोई हिंदी की बुक नहीं पढ़नी है। पाँचवा पार्ट है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए एक बुक आती है पैरामाउंट की Volume 1, तो वो पढ़नी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। या फिर आप जो है एक किरण पब्लिकेशन की बुक आती है उसकी प्रैक्टिस निकालती रही, उसमें अच्छी वोकैब दे रखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये पोस्ट कोड है 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। इन पोस्ट कोड्स के लिए भी आप देखिए सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, Section A और Section B 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। सेक्शन ए में देख रहे हैं आप 5 पार्ट दिए हुए हैं, ये सेम एज इट इज़ जो ऊपर मैंने बताया वो का वही पार्ट है, तो वही की वही बुक्स आपको पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हर पार्ट इसमें 20 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये 100 मार्क्स का सेक्शन ए है और 100 मार्क्स का सेक्शन बी है। जो बी है ये स्पेशली उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं जिस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आप समझ जाओगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, तो वो उसी वही बुक पढ़नी है उससे संबंधित। और फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं पोस्ट कोड 8 को। इस 8 जो पोस्ट कोड के लिए आपको Tier 1 और Tier 2 दो एग्ज़ाम देनी होगी। Tier 1 जो है वो ओनली क्वालिफाइंग है, नंबर काउंट नहीं होंगे, Tier 2 के ही नंबर काउंट होने वाले हैं। Tier 1 में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको वो का वही सिलेबस है, वो की वही बुक्स आपको पढ़नी है। लेकिन जो पार्ट 2 है
यानी कि जो टीयर टू है इसमें आप ध्यान दीजिए। इसमें जो 200 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल वाले वो 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन साथ में 75 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी उसमें आएगा, तो वो भी ध्यान रखिए। जैसे ऐसे इन इंग्लिश है, लेटर राइटिंग है ना, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लिश, तो ये अलग अलग है। ये 25-50 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होगा इन इंग्लिश, और लेटर राइटिंग होगा 25 मार्क्स का, यानी कि 75 मार्क्स आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव के मिलने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिए। टोटल 275 मार्क्स का ये टीयर सेकेंड होने वाला है, इसी के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनेगी, ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स टू टीयर टेक्निकल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पोस्ट कोड है 3/20, इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्ज़ाम होने वाली हैं। टीयर 1 जो है वो 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और इसका जो सिलेबस है मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया वो का वो सेम टू सेम सिलेबस है, वही बुक्स पढ़नी है। ये 100 मार्क्स का होगा, और जो पॉइंट जो बी देख रहे हैं आप ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट का होने वाला है। और जो टीयर 2 है फ्रेंड्स ये भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, साथ में 50 नंबर का जो है डिस्क्रिप्टिव भी होगा। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। जो डिस्क्रिप्टिव में ऐसे इन इंग्लिश आपको राइटिंग करनी होगी, लेटर राइटिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये है इस पोस्ट का सिलेबस। तो फ्रेंड्स अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप फॉर्म भरिए और पोस्ट का चुनाव करिए, उसके बाद में आप तैयारी कीजिए। जो मैंने बुक्स बताई हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, उसके अलावा आप कोई बुक पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आपका सिलेबस अच्छी तरह से आप कवर कर लें बस। बाकी इन बुक्स को आप बार बार रिवाइज़ कर लें, यही आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।